हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में एल्जेब्रा के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे पेपर्स में, तो एल्जेब्रा के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी को एनालिसिस करके ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो छोटी होगी, लेकिन आपके लिए कारगर सिद्ध होगी 100% एग्जाम के अंदर, इतना मेरा श्योरिटी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप जहां भी चाहें वहां इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इतना ही सपोर्ट मुझे बस आपसे चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक छोटे वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको एल्जेब्रा का समझा पाऊँ, और जितने क्वेश्चन परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और इन कॉन्सेप्ट के थ्रू उनको बनाएंगे। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आने वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आप बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मेट ध्यान रखना है। सीधे सीधे मैं पहले फॉर्मेट समझाने की कोशिश करूंगा, बड़े आराम से फॉर्मेट को समझना है और उसके बाद हम क्वेश्चन पे इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान दिया हुआ है और अगर आप निकालना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो जो भी वैल्यू आपको दी हुई है उसका स्क्वायर करके आपको माइनस टू करना होता है। जो भी वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर करके माइनस टू करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू 3 दे के रखी है और आपसे बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए आप बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, ये जो भी दी हुई वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें से 2 माइनस करेंगे। दैट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 2 यानी कि 7 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होगी। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर ये तो बात हुई कि x प्लस वन बाय एक्स अगर दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है। अगर आपको x माइनस वन बाय एक्स दिया हुआ हो और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, जो भी दी हुई वैल्यू है उसका स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड करेंगे, माइनस की जगह क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये फॉर्मेट आपको एज इट इज दिमाग में लिखना है, रखना है, याद रखना है। नहीं याद रख सकते तो आप कॉपी पे लिख करके लर्न कर लीजिए, ठीक है, सबसे बेस्ट। अब देखिए, अगर आपके पास x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू दी हुई है और आपसे क्यूब की वैल्यू पूछता है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू पूछता है, तो आपको जो भी वैल्यू दी है उसका क्यूब करना है और जो वैल्यू दी हुई है उसका 3 गुना करके क्यूब में से घटाना है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने बोला कि एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू मैं आपको 3 देता हूँ अगेन, ठीक है, और मैं इससे बोलता हूं कि आप एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल के बताइए, तो आपकी वैल्यू कितनी है भैया, 3 है, तो आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, गीवन का क्यूब करेंगे और फिर 3 × गीवन करेंगे। बोले हाँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब 27, देखिए 27 माइनस में 3 × गीवन वैल्यू, गीवन वैल्यू हमारे पास में 3 थी, 3 × 3 यानी कि 9, 27 में से 9 गया तो आपका आंसर कितना आएगा, 18। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वन बाय एक्स दिया जाए और एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब निकालना है, तो गीवन का क्यूब माइनस 3 × गीवन करेंगे। ऐसे ही अगर x माइनस वन बाय एक्स का मान दिया जाए, x माइनस वन बाय एक्स दिया हो और आपसे बोले एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब निकालिए, तो आप गीवन का क्यूब प्लस 3 × गीवन करेंगे, या माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा x प्लस वन बाय एक्स से आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब ही निकलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मूले से बनाई गई वैल्यू है, ये ऑटोमेटिक नहीं आया। मैं आपको चाहूँ तो समझा सकता हूँ पूरे फॉर्मूले बना करके कि आया कैसे, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। अभी लास्ट मोमेंट है, मेरा ये ध्येय है कि छोटा वीडियो बनाया जाए और सारी चीज़ समझ में आए। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये ध्यान रखना है कि प्लस वाले से प्लस वाला ही निकलता है क्यूब के केस में, और यहाँ माइनस वाले से माइनस वाला निकलता है, यानी कि एक्स माइनस वन बाय एक्स दे के रखेगा तो एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू पूछेगा। बाकी और आगे का एप्लीकेशन अपन आराम से देखेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे मान लीजिए एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू दे दी और मुझे चाहिए एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू, या फिर ये वैल्यू दे दी और मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए जरा देखिए क्या करना है। अगर x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू दी हो और आपसे x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू पूछी हो, तो जो भी वैल्यू दे रखी है रूट में उसका स्क्वायर करके 4 जोड़ देंगे। प्लस वाली निकालना है तो 4 जोड़ देंगे, प्लस वाली दे रखी है आपको वैल्यू और माइनस वाली पूछी है तो क्या करेंगे,
रूट में स्क्वायर करके जो भी दिया हुआ है उसमें से चार घटा देंगे, माइनस वैल्यू दी है तो चार घटा देंगे, माइनस वैल्यू पूछा है तो चार घटा देंगे, प्लस वाला पूछा है तो चार जोड़ देंगे। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं आप इसको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरीके से बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं x प्लस वन बाय एक्स का मान दिया है और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पे जाना है, तो गिवन का स्क्वायर माइनस टू करता हूँ मैं, ठीक है ना। अब इससे आगे अगर मुझे जाना है, जैसे ये तो पावर वन है, यहाँ पे डिग्री टू है, इसका अगला मामला क्या होगा, इसका अगला मामला हो सकता है टू का, एक्स की पावर टू का फिर से स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा एक्स की पावर फोर, यानी कि एक्स की पावर फोर प्लस वन बाय एक्स की पावर फोर पे भी जाया जा सकता है। समझ में आया कैसे? तो एक्स की पावर वन मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो एक्स प्लस वन बाय एक्स है, आप इसको एक्स कंसिडर कर लीजिए, बस एक्स एक लेटर कंसिडर कर लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। यहां मैंने x लिखा, इसका मतलब x प्लस वन बाय एक्स है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर लिखना होगा तो मैं उसकी जगह क्या यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर सिर्फ यूज करूंगा, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूं मैं। तो देखो ये x क्या है, इस x का मतलब है x प्लस वन बाय एक्स, मतलब x प्लस वन बाय एक्स दिया हो, वैल्यू मान लो गिवन जी वन दे रखी है, और उससे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना हो, ये वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर करके माइनस टू कर देते हैं। आई बात समझ में? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पावर टू से मुझे पावर फोर पे जाना है, तो ये इसका मतलब हो गया एक्स की पावर फोर प्लस वन बाय एक्स की पावर फोर, बात समझ में आई? तो एक्स की पावर फोर प्लस वन बाय एक्स की पावर फोर अगर मुझे निकालना है तो ये जो भी वैल्यू इसकी मुझे दे रखेगा वो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की, तो ये वैल्यू जो भी निकलती है, मान लो ये जी टू निकलती है, तो हम इसका स्क्वायर करके फिर से टू माइनस कर देंगे। अब टू पावर से फोर पे जाया जा सकता है, तो इसकी वैल्यू आपको पता चल गई ऑलरेडी, किसकी वैल्यू पता चल गई है भैया, टू से फोर पे तो चले गए, फोर की वैल्यू अब पता चल गई, तो फोर से आप क्या करेंगे, एट पावर पे जा सकते हैं, जो भी वैल्यू गिवन आपको पता चली है उसका स्क्वायर करके फिर से माइनस टू कर दीजिए। मतलब कुछ नहीं करना है, आपको पावर आगे बढ़ाते जाना है, तो स्क्वायर कर ले, जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करके माइनस टू करके आगे बढ़ते जाओ। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है टू, ठीक है, और मुझसे सामने वाले ने बोला x की पावर 8 प्लस 1 बाय x की पावर 8 की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा, पहले इससे जाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये मन में ही आप कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, गिवन का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 यानी कि इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे बोले जाएगा कि x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 पे जाइए, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ भैया ये मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करता हूँ, गिवन का स्क्वायर माइनस टू, मतलब फिर से मैं क्या करूंगा, दो का स्क्वायर चार माइनस दो, यानी कि अगेन दो आ जाएगा, ठीक है। अब फिर मैं बोलूंगा कि इसके बाद जो स्टेप होगी वो कहाँ ले जाएगी मुझे, एक्स की पावर एट प्लस वन बाय एक्स की पावर एट पे लेके जाएगी, बात समझ में आई? तो क्या होगा, अगेन इस टू, अब इस टू को देखेंगे वापस, टू का स्क्वायर माइनस टू, यानी कि फिर से आंसर टू। इसीलिए इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या होता है, आपको ट्रिक बता दी जाती है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आंसर टू आता है, टू अगर लिखा हो तो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता ही है, अगर मैं टू की जगह यहाँ थ्री कर दूं तो फिर क्या हो जाता, ये वैल्यू क्या हो जाती मुझे बताओ, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू, यानी कि ये हो जाती सेवन, ठीक है। फिर मैं बोलता ये वाली वैल्यू क्या हो जाती, तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन माइनस टू, यानी कि ये हो जाती फोर्टी सेवन। अगेन अगर ये वैल्यू देखता तो फिर क्या हो जाती, फोर्टी सेवन का स्क्वायर माइनस में टू, बात समझ में आई? जो भी आई आप निकाल सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं फॉरवर्ड गया अभी, अब मैं रिवर्स जाता हूँ, रिवर्स पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो देखते हैं रिवर्स कैसे करेंगे। देखिए अगर मुझे x की घात चार से, मतलब x की पावर फोर प्लस वन बाय x की पावर फोर होगा वो, x ऐसा अगर इसकी वैल्यू दे रखी है और मुझे x की पावर टू पे जाना है, मतलब x की पावर टू प्लस वन बाय x की पावर टू निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, रूट में जो भी वैल्यू दे रखी है, पहले दो घटाया था ना मैंने, तो मैं क्या करूंगा, दो को जोड़ूंगा और रूट ले लूंगा, है ना, स्क्वायर करके मैंने दो घटाया था तो मैं दो को वापस दे दूंगा इसको और स्क्वायर रूट ले लूंगा, उल्टा चलूंगा, ठीक है। तो जो भी गिवन वैल्यू होती है उसमें दो जोड़ो और रूट ले लो, तो यहाँ पे आ जाओगे। फिर उससे और नीचे उतरना है तो स्क्वायर से एक्स पे आना है, तो जो भी यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू आए उसको लिखो रूट के अंदर, दो जोड़ो और रूट ले लो, ठीक है। तो ये उल्टा क्रम होता है चलने का। आई होप जितनी बात मैंने आपको समझाई है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पीछे जो बोर्ड है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, फिर अपन लाइव क्वेश्चंस पे चलते हैं।
जो अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो हो रही है उसमें पूछे गए। देखिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो अब तक की शिफ्ट्स पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एल्जेब्रा से, वो देखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा और पूरा कंसंट्रेशन वीडियो पे रखिएगा, 101% आपको समझ में आएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जिसको अपन देखेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए आपके पास में इक्वेशन के फॉर्म में और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो पहले अपन इसको नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं। कैसे, इस पूरी इक्वेशन में आप दोनों साइड एक्स का डिवाइड कर सकते हैं। जरा देखिए पहले वाले का सॉल्यूशन, तो अगर दोनों साइड में एक्स का डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा क्योंकि एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक कट जाएगी पावर। यहाँ पे -4 बचेगा, एक्स चले जाएगा और ये प्लस में 1/x बचेगा और इज इक्वल टू 0/x करेंगे तो 0 आ जाएगा। बोलो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को उधर कूदा दूंगा, यानी कि एक्स प्लस 1/x का वैल्यू जो है वो 4 है मेरे पास में। अब ये वैल्यू आपको मिल गई कि एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 हो जाएगा दादा, ये 4 आ गया। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पेपर में पूछा गया था, तो आप क्या करेंगे, मुझे पता है 4 का स्क्वायर गिवन का स्क्वायर -2 करते हैं तो ये 16 -2 हो जाएगा, 16 -2 करेंगे तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए ये क्वेश्चन हो गया है, ऐसा कैसे ही अगर ये क्वेश्चन देखोगे आप फिफ्थ वाला, तो ऐसा कैसे ही ये इसका कन्वर्जन है, आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, 14 ही हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली वही कन्वर्ट किया आपने। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। जरा देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखिए एक्स की पावर 4 अगर ये पावर माइनस में हो तो कोई भी पावर अगर नेगेटिव आ जाती है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, एक्स के अपॉन में कुछ नहीं यानी कि वन है, तो अगर मैं इसको पलटा दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ध्यान रखना, नहीं तो ये देखोगे बोले ये क्या पूछ लिया। तो ये हो जाएगा प्लस 1/x की पावर 4, इसको आप ऐसा लिखेंगे, बराबर में वैल्यू दे रखिए 1154। बात समझ में आई, बराबर में वैल्यू कितनी है 1154। आपको इससे क्या निकालना है, एक्स प्लस ये इसका मतलब 1/x होता है, तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। भैया बताओ क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था उल्टा भी चलना सीखना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 से आपको एक्स की पावर 2 पे जाना है और फिर एक्स की पावर एक्स पे जाना है, बात समझ में आई। तो उल्टा चलने के लिए हम क्या करते थे, इसमें दो जोड़ के रूट ले लेते थे, गिवन प्लस 2 अंडर द रूट, याद आया, तो इसमें दो जोड़ो और रूट लो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे दो जोड़ेंगे तो 1154 में दो जोड़ेंगे तो 1156 और उसका रूट लेंगे। ठीक है, तो ये जो रूट होता है ये किसका होता है, 34 का होता है, 34 का रूट हो जाता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156, है ना। तो आप देखेंगे ये 34 आया, अब इससे आपको x निकालना है, मतलब ये वैल्यू आपको अब 34 पता चल गई और x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे, दो जोड़ोगे और फिर रूट ले लोगे, तो दो जोड़ेंगे 34 और दो 36, 36 का रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है x प्लस 1/x दिस विल बी 6, इसका आंसर 6 होगा। बोलो हाँ सोच पड़ी के नहीं, ठीक है भैया आगे बढ़ते। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आपको दे रखा है x प्लस 1/x, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे के रखी है और आपसे बोलना चाह रहा है वो कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू भाई बता दो क्या है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये आई थिंक 10 तारीख के पेपर में ऐसा पूछा गया है। देखिए तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ये वैल्यू है तो यहाँ जाना है, मतलब आपको ये दे रखा है, सपोज कर लो एक्स है और आपको निकालना है एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 कब निकाल सकते हैं, जब जब x की पावर 2 में x की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर एड हो जाती है, दैट मीन्स x की पावर 5 आप यहां से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, इससे यहां जाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालूंगा, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, जरा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देखते हैं, और फिर मैं निकालूंगा 5 निकालना तो 3 भी निकालेंगे, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालूंगा, तो ये दोनों वैल्यू का देखते हैं अपन कितना मामला होता है। जरा देखिए इस वैल्यू को अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 आएगी, जब इस टर्म का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से ये क्यूब एक बार कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा, इस पूरी टर्म का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है बात समझ में आई, और फिर इस पूरी टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/x⁵ बचेगा, बात समझ में आ रही है क्या, मतलब आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स प्लस 1/x एक्स्ट्रा आ रहा है और फिर एक्स की पावर 5 प्लस 1/x⁵ आ रहा है। बस अब करना क्या है ये देखो, इसकी वैल्यू देखो निकालो और इसकी वैल्यू निकालो और समझने की कोशिश करो। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालूंगा तो इससे कैसे निकाल सकता हूँ, 3 का स्क्वायर -2, यानी कि 9 -2 यानी कि 7 हो गया,
एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब अगर इससे निकालना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, गीवन का क्यूब माइनस थ्री इंटू गीवन, तो तीन का क्यूब कितना हो जाएगा 27। देखो गीवन का क्यूब यानी कि तीन का क्यूब माइनस में थ्री इंटू गीवन, तो 27 माइनस में 9 कितना आएगा 18, ठीक है 7 इंटू 18 हो गया। अब ये वैल्यू किसकी आई 126, ये जो वैल्यू आई है ना ये पूरे की वैल्यू आई है और ये पूरा इसको शो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है, बात समझ में आ रही है। अब आप देख रहे हैं आपको तो सिर्फ x की पावर 5 प्लस 1 बाय x की पावर 5 निकालना था, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है x प्लस 1 बाय x एक्स्ट्रा आ रहा है। आप देखो जरा ध्यान से x प्लस 1 बाय x कितना है 3 है, तो इसको एक्स्ट्रा को मैं जो आ रहा है 3 इसमें से घटा देता हूँ, आंसर कितना आएगा 123। आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी घटाने वाली, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स माइनस टू बाय एक्स, इसका वैल्यू आपको गिवन है 4, ठीक है 4 गिवन है, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस में कितना दे रखा है 4 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है ये बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर माइनस से इस पे जाना है, माइनस से इस पे जाना है तो हम क्या करते हैं गिवन का स्क्वायर प्लस 2 करते, बात समझ में आई, तो मैं क्या करूंगा गिवन का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 2 करूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये 2 मल्टीप्लाई में है, ऐसा कब होता है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 देख के रखते और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पूछा जाता, तब तो मैं क्या कर देता भैया बड़ा आसानी से कर देता, 4 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 यानी कि 18 आंसर आ जाता, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई चीजें, है ना। लेकिन जब भी ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना, जब भी यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई में आ जाए ऊपर 1 की जगह पे कुछ और आ जाए तो ये जो पीछे वाला पार्ट है ना उस चीज से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ये 2 है तो मैं यहाँ 2 पे और चढ़ा देता हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं देखूंगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 यानी कि इसका आंसर 20 आ जाएगा, बात समझ में आई क्या, आ गई होगी। एक बार धैर्य से फिर से सुनिए, अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाती है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा उस वैल्यू को, क्लियर हो गई बात। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 यहाँ आ गया तो मैंने इसको मल्टीप्लाई पे लगा दिया, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसके अंदर हो सकता है क्या, चलो देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप, मैं बता रहा था कि एलोबरेट करके समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो इसका अगर होल स्क्वायर लगाएंगे x माइनस टू बाय x का तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला यानी कि 2 बाय एक्स का स्क्वायर यानी कि 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 2 ए का वैल्यू x आएगा और b का वैल्यू 2 बाय एक्स आएगा, तो x से x कैंसिल होकर यहाँ पे 2 इंटू 2 आ गया। अब आपको इस पोर्शन का वैल्यू चाहिए तो ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपके पास में 4 दे रखी है, जब 4 दे के रखी है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे 16, 16 और इधर आके 4 जुड़ गया 20 आ जाएगा आंसर, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर जो वीडियो था ये एलजेब्रा के जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आगे मैंने कुछ रूल आपके पास में लिखे हुए थे बताए, उनको समझाया, उन रूल्स को आप ध्यान रखिए, उसके ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाएगा, बस वैल्यू आपको गिवन की जगह कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ पेड नोट्स अवेलेबल है, जैसे कि एमपी का करेंट अफेयर पूरा 2021 दिसंबर 2021 तक का, इसके अलावा साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, तो अगर आप उनको चेक करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं डेली रात को 9 से 10 बजे तक अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। ये फ्री लाइव क्लासेस वो क्लासेस है जिसमें गणित में जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की जो चल रही है, उन सब क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके मैं आपको सॉल्यूशन मेथड्स बता रहा हूँ कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिलक अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके तिलक अकेडमी सर्च कीजिएगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए,
ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये चैनल का लोगो आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह का लोगो तिलक एकेडमी का दिखेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो क्लास वगैरह की लिंक में वहाँ भेज देता हूँ। इसके अलावा आप अनअकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरा प्रोफाइल जो है ऋषभ पांचाल, उसको अगर फॉलो कर लेते हैं, ऋषभ पांचाल सर्च करके मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लेते हैं, तो जो भी क्लास में डालूंगा उसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको अनअकेडमी पे ही एप्लीकेशन पे आता रहेगा, मिलता रहेगा। तो रोज रात को 9 से 10 बजे तक वो क्लासेस ज्वाइन करना ना भूले। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ज्वाइन करते टाइम आपको RPL10 कोड लगाना है, जिससे आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप जरूर आइए, मुझसे जुड़िए, वहां पे भी हम पढ़ रहे हैं, लाइव मिलिए, आपको कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, ये हमारे कुछ पेड नोट्स हैं जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे अनअकेडमी पे जुड़ सकते हैं। अनअकेडमी एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, PDF, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जो लोग हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं वो भी ये देख सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट इसमें कंटिन्यूसली कंडक्ट कराए जाते हैं, तो अगर आप एबिलिटी रखते हैं तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है up to 50%। T20 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा बैच कोर्सेस में अगर आप देखें तो 100 डेज बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है 15th of January से आज से, तो ये भी आप इनरोल कर सकते हैं। 8 मंथ फाउंडेशन बैच कोर्स FPPSC के लिए और अपकमिंग बैचेस का डिटेल अनअकैडमी पे जो भी चालू होने वाली है उसको आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो पर्टिकुलर चीज, तो आप देख सकते हैं, अगर इनरोल करना चाहे तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।